as tourism kills tourism. If we are losing this asset, the tomorrow we will not have any tourists, will not have any economy in our state. So that's why this is the reason why we are Gulmarg and Pahalgam, where townships have been built in forest. Obviously, the emission of carbon dioxide will increase in the atmosphere, which will increase in carbon dioxide concentration as well as greenhouse, what we call it also it as a greenhouse. When we heat up its internal atmosphere, some of the rays are being reflected back, re-radiated back from these greenhouse gases, reach to the surface of the earth. Some of the rays get of the earth by providing warmth to the earth. या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ऐसे हम तो मनाते हैं हर साल, बारिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि कुछ वो प्रॉब्लम्स थी उस वजह से हमने नहीं मनाया, लेकिन अदरवाइज हम हर साल मनाते हैं और हम प्रैक्टिकली मनाते हैं। यहाँ पे हम ये जो सैपलिंग्स है, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2 साल पहले जो है हमने कॉनिफर के 200 ये जो सैपलिंग्स है वो कैंप्स में लगाए थे। This time we're also thankful to DFO Kaimil, Ayub Saab. He has provided us 100 saplings of kale and this deodar, and we are going to plant it from today only, inshallah. And the first plant that will be inshallah planted by our worthy Deputy Commissioner Saab, and that will kickstart our plantation drive, inshallah. Education in man, in a sense, environment ko theek karne ke liye wo cheezein jo aaj 2 दिन पहले हमने वाटर डे मनाया, उससे पहले स्पैरो डे, उसके बाद नवरोज में प्लांटेशन डे, आज इंटरनेशनल डे यहाँ मना रहे हैं, हमने ऑलरेडी श्रीनगर में मनाया। इसका सिर्फ ये है हम क्यों मनाते हैं ये चीज़ें, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उन्हीं को तो आगे जाके करना है। आपको पता है कि 30 साल या 40 साल पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी, यहाँ पे कुपवार में बहुत कम लोग रहते थे और जंगल भी हरे भरे थे। आज के डेट में अभी देखो कि कितना पॉपुलेशन है, हर एक गाँव का बड़ा है, इसी तरह से मतलब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुई है, उससे ऑटोमेटिकली जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उस पर फर्क पड़ा है। इसी तरह हमारा जो जंगलात का रकबा है वो सिक्योर हो गया है, और भी कुछ रीजन्स है, स्पेशली जो टर्माइल यहाँ हुआ उससे भी हुआ है। तो मैं आपको ये बताने में मसरत फील करता हूँ कि हमारे पास जो कॉनिफर के जंगल हैं, यहाँ जो हमारा विरसा है, जैसे देवदार है, कायल है, बुद्धू है, इसकी जो नर्सरियाँ हैं हर एक डिवीजन है। मेरे पास जो अक्का इलाका है, मेरे पास 2.5-3 लाख के पौधे हैं जो हम किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, क्योंकि वो पॉलीपॉट्स हैं। जैसे कि जितने भी यहाँ अभी तक स्पीकर आए उनने पूरा अच्छी तरह से आपको आइडिया दे दिया कि क्या जो उन्होंने बताया। मैं थोड़ी सी एक दो चीजें बताऊंगा। फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस, अल्लाह ताला ने हमें जो हमें ऑक्सीजन मिलती, जो हमें जिंदगी के लिए जरूरत थी, मुफ्त में मिल रही है। कोई हमने फॉरेस्ट खुद नहीं लगाए, ये अल्लाह ताला की तरफ से, कोई हमें मेहनत नहीं लगी, कोई पानी नहीं डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी हमें ऑक्सीजन मिल रही है, बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे कोरोना हो गया, बीच में कोरोना का ज्यादा हो गया था, कोरोना पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, उसके लिए हमें फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत होती थी, या उतने हॉस्टल्स में अवेलेबल नहीं होते थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल इतना पैसा लोग पेशेंट से ले रहे थे जो वो बियर नहीं कर सकते थे। मैं अपनी अपने घर की मिसाल बताऊं, मेरी मदर को हुआ था, मुझे खुद 50,000 का कंसंट्रेटर लेना पड़ा इसके लिए। तो आप बताओ मुझे कि फॉरेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। दिस कॉलेज I welcome you. I thank you, sir, very much. Now we are actually here at this point of time. We are between 2 decades. From 2011 up to 2020,
United Nations had declared it as a decade of biodiversity. And from 2021 up to 2030, the decade we have now ventured in, it is the decade on ecosystem restoration. Now you can imagine the importance of plants, because in both the decades plants are involved. Not only plants, other living beings are involved. First we had the decade of biodiversity, now we had entered the decade of ecosystem restoration. Let's try to examine. As per the indications and the awareness programs, the Degree College Kufara is celebrating International Day of Forests on the theme of Forest Restoration, a path to recovery and well-being. I think all the kind of topics may have been touched by the speakers since morning, but what I will like to say, that is why we are celebrating International Day of Forests. The important question over here, number one, is existence of human being. How can a human being exist in the world? I think the very important question which remains is the availability of oxygen. If there is availability of oxygen in the world, then a human being can exist. If there is no oxygen, then there is no life. To me, what I can understand. And so far, plantation or forestation is concerned, that is the requirement which will give us oxygen. अगर इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरफ लें कि वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, अगेन द क्वेश्चन इज आवर फॉरेस्ट लेयर इज डिप्लीटिंग बाय ईच पासिंग डे. द वर्ल्ड इज एन एग्जांपल टू अस. द क्लाइमेट विच वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस डेज, द डे बाय डे डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कपल्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कपल्ड विद द डेवलपमेंटल इश्यूज, we are facing a lot of issues, and that is the result you would have seen in the Kashmir itself as an example, being locals of this area, that we witnessed a cold winter which was, I think, witnessed after 27 years as reported by media or as reported by the media platforms. Why so cold and harsh cold weather? And now we are seeing that today it was a heavy rainfall, it was all flooding altogether, and now after this rain wave is over, we will again see the harsh and the warm day. Why it is so? We should interpret that why if it is cold, it is so much cold, and why it is hot, then it is so much hot. The necessity is the imbalance of the ecology. When the ecosystem will not get balanced, then naturally the system, by virtue of this world exists, will get tilted. What is the need of our is that we should maintain a proper and a balanced ecosystem. How can we do that? The only thing which we can do is that in this forum, I think so far as Degree College Kufara is concerned, I think we are expecting that students may be covering every village. Why shouldn't we take this as a pledge today that hum apne apne gaon mein, apne apne village, mohalla mein, isko as a muhim le rahe. Are you understanding me? Let us come to practical now, because morning mein to I think lectures would have been on this subject and all that. But what is the outcome now? Question hai outcome ki. If we are lack of forests, can we contribute? Yes, we can contribute. Abhi baat ho gayi, hui thi ki a single person has dwelt but a forest. To aap kya kar sakte ho? In local parlance language, in practical language and very simple, ki har ek student jo hai, jab ghar wapas jayega, let him discuss with his family first. कि हमें अपनी प्लांटेशन के लिए क्या हमारे पास कोई लैंड अवेलेबल है वहां वी कैन गो फॉर प्लांटेशन. नॉट ओनली दैट, अगर कॉनिफर्स आप करना चाहते हो, आई थिंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग कॉनिफर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रोवाइड यू फुल सपोर्ट, एंड यू कैन प्लांट दोज कॉनिफर्स इन योर पेरिफेरी ऑफ योर हाउसेस. पहले तो अपने अपने घर के आसपास ये लगाने हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन. अगर आपको लग रहा है इट इज नॉट इनकम जनरेटिंग, देन हु इज प्रिवेंटिंग यू? यू कैन गो फॉर कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स में हॉर्टिकल्चर, दैट इज ऑल्सो एडिंग टू द प्लांटेशन, that is also adding to the vegetation cover, that is also adding to the greenery cover.
Why should we take and pledge to make Kakhoda as a moral district in implementation of this forestation program? Why shouldn't we work in a mission mode? In short words, because time is very short and I may not be able to explain my thoughts, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने घर से शुरू करना है और फिर उस घर से शुरू हुआ करने के साथ साथ जहां आपको कॉनिफरस की जरूरत है, आई थिंक द कंसर्न प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉलेजेस दे आर वेलकम वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. वी विल सपोर्ट देम बाय वर्चू ऑफ इन्वॉल्विंग इन कन्वर्जेंस द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड देम कॉनिफर ट्रीज. और अगर कहीं पे फ्रूट ट्रीज कैश क्रॉप्स की जरूरत है, दे कैन कोऑर्डिनेट विद अस और स्टूडेंट्स के जरिए हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे द कैश क्रॉप्स, द वेजिटेशन कवर, द वेजिटेबल एंड द फ्रूट मार्केट. उसके साथ साथ एक तो आपने प्लांटेशन करी और दूसरा आपको उसकी इनकम भी आएगी आपके घर में. यू कैन कन्विंस योर हाउसहोल्ड्स. जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा, नेचुरली योर पेरेंट्स विल डिस्कस द सेम थिंग विद देयर नेबर्स. और वैसे करके मुझे लगता है जितनी पॉपुलेशन भी कपारा के अंदर में है, हम हर घर तक पहुंच सकते हैं और हर घर में हम प्लांटेशन जो है ये लगा सकते हैं प्रैक्टिकल तौर पर. तो मुझे लगता है आज का जो यहाँ पे ये कैंप है, इसको प्रैक्टिकल शेप में लेते हुए हमें चाहिए कि आज जब भी जितने भी बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जब घर जाएंगे अपने घर में ये बात करें कि क्या हमें कॉनिफर लगाने हैं या हमें फ्रूट ट्रीज लगाने हैं. जब इस पे आपका पे कोई मुहिदा बन जाता है, देन यू कैन कम टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द कंसर्न प्रिंसिपल्स ऑफ द डिग्री कॉलेज. दे आर वेलकम टू शेयर आइडियाज विद अस. देयर कैन बी मच बेटर आइडियाज देन व्हाट आई एम सेइंग, बट व्हाट आई प्रैक्टिकली मीन टू से कि क्यों ना हम इस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के मनाने के साथ साथ प्लांटेशन भी प्रैक्टिकली करें. एंड व्हाई शुडंट कफारा बी एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट इन अ मिशन मोड. कफारा कैन प्रूव एज एन एग्जांपल इन अ मिशन मोड. एंड व्हाई शुडंट वी स्टार्ट फ्रॉम कन्याकुमारी. We should start from Kafara and let it go onwards to other districts and to rest of the India. And let then the other nations follow what India is doing. Aisi hume moral examples jo hai karni chahiye. Mujhe lagta hai students they can act as best messengers for plantation, best messengers for forestation. Aur jahan tak deforestation ka taluk hai, kyunki students hamare har corner mein rehte hain, students degree college mein har corner se aate hain. They can bring out a change. They can act as informers. कि फान जगह जो है फॉरेस्ट का नुकसान होता जा रहा है. वी कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद द पुलिस अथॉरिटीज एज वेल एज. एक ऐसा मजमून है, एक ऐसा इशू है, जैसे कि आपको अभी तक एक्सप्लेन किया गया कि हमें हमारी जमीरों को एक झंझोड़ने वाला इशू है, हमारे जमीर को जागना पड़ेगा. आपके कुपवारा में मुझे 2 महीने और 2 दिन हो गए आज यहाँ ज्वाइन किए हुए. सबसे ज़्यादा हमने देखा कि यहाँ फॉरेस्ट की स्मगलिंग होती है. डीएफओ साहब विल बियर मी आउट. हमने पिछले हफ्ते एक पब्लिक सेफ्टी एक्ट में एक बंदे को बुक भी किया. एक छोटा नौजवान, 23 साल का नौजवान, और 10 साल की उम्र से उसके ऊपर PSA ये FIRs लग रही हैं और जंगल की स्मगलिंग में मुलव्वस है. यह एक अच्छा शगुन नहीं है. यह हमारी कम्युनिटी का एक अच्छा नुमाइंदगी नहीं करती है यह चीज. जैसे हम सोसाइटी में इल्म को बढ़ावा देंगे, उसी हिसाब से अमल भी जो है इंसानों में आता है, क्योंकि हर अमल की बुनियाद जो है इल्म पे होती है. अगर हम सही इल्म जो आज हमने शेयर किया, डिफरेंट स्पीकर्स का जो आपने यहाँ कंपरेटिव स्टडीज खासकर जो आपको सामने रखी गई, इसके बारे में अगर अपने आप को ना हम झंझोड़ें, हम अपनी जमीरों को ना झंझोड़ें और एक पहिया नहीं कर लें, जिसको अलामा इकबाल ने कहा है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी. ये खाकी अपनी फितरत में है, न नूरी है न नारी है. मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक में नूर और नार के बारे में बताऊंगा. नूर रोशनी को बोलते हैं और नार जो होता है आग को बोलते हैं. नूर की हमेशा कोशिश होती है कि वो फैलाए, ऊपर की तरफ आए. आग की भी ये कोशिश होती है, जब जलाया जाए तो ऊपर की तरफ उठता है. ये इशारा है इस शहर में कायनात के उन क्रिएशंस के बारे में जो हमेशा ऊंचाई और एलिवेशन की तरफ जाती है. वो फरिश्तों की तरफ उसका इशारा है कि अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है
जिनों को आग से बनाया और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। लेकिन अल्लामा जब हमें कंपेयर कर रहे हैं, इंसान को कंपेयर कर रहे हैं इन्हें वे जिन्नात और फरिश्तों से, तो हमें इसका दर्ज दिया जाता है कि अमल के जरिए से आप आगे जा सकते हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं। जिसको दूसरे शायर ने ऐसे कहा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। ये इसको एक्सप्लेन करता है। तो अमल की बात है, असल में इस वक्त हमें अमल पे बहस करनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज का जो शेयरिंग था वो हो चुका है। मेरा एक इख्तितामी खुतबा है, मैं भी प्लांट साइंसेस से जम्मू यूनिवर्सिटी से पीजी किया हूं, आज 25-30 साल हो गए। बॉटनी में मैंने पीजी किया है, लेकिन जो आज का नारा है, जिसको आपके यहां के एक कामिल वली ने आपके लिए एक नारा दिया है, वो मिशन है। उन्होंने 400 साढ़े 400 साल पहले कहा कि अनपोश तेली अनपोश, क्या वो कहना चाहते हैं? साढ़े 400 साल पहले उनको क्या कंसेप्ट देना चाहते थे हमें? वो डिफॉरेस्टेशन को लेके उनका जहन जो था वो परेशान था, इसलिए उन्होंने ये कोट किया, ये समझाने के लिए कि जो आपके फॉरेस्ट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और हमारे जरूरत के मुताबिक उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए। जब प्रॉपर यूज और तरीके से इस्तेमाल चीजों का हो, उसमें प्लांट रिसोर्सेज जो है, इस वक्त इंसान जो है अगर अपने जिस्म पर नजर मारे हम सब लोग, तो हम प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ ही यहां जीते हैं। लेकिन हमें क्यों ख्याल नहीं है कि इस प्लांट को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है? आप कपड़े का जिक्र करें जो हम पहने हुए, रिसोर्सेज कहां से आ रहे, कहां से ये हासिल कर रहे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा वजूद जो है, इंसानियत का वजूद जो है, एनिमल्स का वजूद जो है, वो प्लांट लाइफ पे डिपेंडेंट है। तो इंपॉर्टेंस यहां से हमें समझनी चाहिए। और अमली जिंदगी में ये चीजें जो है, योम शजरकारी जो परसों 21 को फॉरेस्ट डे था, आपके कई स्कूलों में मनाया गया, मैं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को, आप बच्चों को इस मौके पे मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये जैसे एडीडीसी साहब ने कहा कि एक मिशन मोड में हमें जाने की जरूरत है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब हमें दोनों चीजें करनी है, क्योंकि हम बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है, हम तो इसलिए ये कोर तो फिट बैठेगी नहीं। प्रिवेंशन तब करेंगे जब आप किसी लेवल में हो, अभी फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा हो, तो अब यहां क्योर की जरूरत है और प्रिवेंशन की भी जरूरत है। बोथ आर एप्लीकेबल इन आवर सिनेरियो, जो हमारा सिनेरियो डेवलप हुआ है, या प्रिवेंशन भी है और क्योर भी है। प्रिवेंशन क्या है? जंगलों को बचाना है, उसकी अवेयरनेस आप लोगों ने देनी है, उसके आप एम्बेसडर बनेंगे। जैसे अभी एडीडी साहब ने कहा, हर घर में ये शाम को बात होनी चाहिए एफॉरेस्टेशन को लेके, कि हम पौधों की तादाद जो है कैसे बढ़ाएं। मैं यहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा इस मौके पे, कि इन्होंने इस साल का जो हदफ रखा हुआ है, जो टारगेट्स फिक्स हैं, किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में 1,00,000 की प्लांटेशन होगी इस साल, आप लोगों को मुबारक इस चीज का। उसमें इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन कवर है, जो हम आपके डिफरेंट ऑफिस में लगा रहे हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के प्रेमिसेस में लगा रहे हैं, स्कूल्स में लगा रहे हैं। यह अमली इकदाम है। अब यहां पे जिम्मेवारी हमारी खत्म नहीं होती कि एक शजरकारी की मुहिम हमने जारी की। मैं चाहता हूं कि एवरीवन शुड अडॉप्ट ए ट्री, ए प्लांट। जो आपने पौधा आज लगाओगे बच्चे, उस पर नीचे टैग लगाओ, उसका नाम लिखो, उसको अडॉप्ट करो। 3 साल आपने इस कॉलेज में रहना है, या जितने साल भी रहना है, उसकी केयर करो ताकि वो ग्रो करे। इसी तरह से घर में अभी आपको बताया कि प्लांटेशन कर सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं, नॉन फ्रूट प्लांट्स लगा सकते हैं।
उसके लिए मोटिवेट करना है, घर में लोगों को मोटिवेट करना है। लोग समझते हैं कि भाई प्लांट लगाने से हमारी खेत खराब हो जाएगा, उसमें सब्जियां या कोई फसल उगाने के काबिल नहीं रहेगी। उसमें सिलेक्शन ऑफ प्लांट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप चुनते हो प्लांट, कौन सा लगाना चाहिए, उसमें आपकी प्रॉपर गाइडेंस आप ले सकते हैं। डिपार्टमेंट्स हमारे पास हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। वेजिटेशन कवर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो भी नुकसान यहां पर अभी तक बयान किए गए डिफरेंट स्पीकर्स के द्वारा के जरिए उनको उन पर अमल हो सके। और आदमी जब कंपेयर करता है जबरदस्ती के स्टैंडर्ड्स अपने लाइफ में कि भाई हम ऊंचे मकान को लेके बड़े स्टैंडर्ड वाले हो गए, उससे इंसानी जिंदगी का मायार बुलंद नहीं होता। मैं एक शायर का आपको हवाला दूंगा, उस पर मैं इख्तिताम करूंगा। वो पेड़ जिस पेड़ का साया नहीं होता, वो पेड़ जिस पेड़ का साया नहीं होता, आंगन में लगाना अच्छा नहीं होता। वो पेड़ जिस पेड़ का साया नहीं होता, आंगन में लगाना अच्छा नहीं होता। दीवारें मकानात की ऊंची ही सही, दीवारें मकानात की ऊंची ही सही, लेकिन दीवारों से मायार ऊंचा नहीं होता। तो जब हम मायार और अमल की बात करेंगे, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जिस पे हमें जरूरत है कि हम सिर्फ अपने अपने बंगले बनाएं, उससे लोगों को अपनी बढ़ाई दिखाएं, अमल से बढ़ाई दिखाएं, अमल से तब्दीली आएगी। आज एक हम ये प्लेज लें, तैयार करें कि हमने एक एक ट्री को प्लांट करना है, ईच वन प्लांट वन, ये आज का नारा है। आई डीम इट ए ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस ओकेजन। Let me first of all start by giving glory to Almighty Allah for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Deputy Commissioner Kupwara, Mr. Imam Deen Saab, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. We can use tools, why not? मेरे ख्याल से अभी तो रहन है, तो क्या है? ये फुट भी आपको बचाना है। देखिए वो ग्राउंड भी आपके लिए कॉस्टली है क्योंकि ये डिग्री कॉलेज का इशू, इसलिए आगे भी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल इश्यूज। हूएवर हैज पार्टिसिपेटेड, वेदर द स्टूडेंट्स और द आउटसाइडर्स और द पीपल फ्रॉम सर्टेन डिपार्टमेंट्स, एवरीबडी इज इन अ वे contributing for the betterment of the environment. I believe whosoever has talked there, whosoever has basically responded, everybody is concerned about the environment. We are of the same opinion, we are on the same page that we should worry about the welfare of our future generation. If we are not going to think today, then tomorrow they are going to curse us. So it is better if we think about the forestation, about the water bodies, about the species, about the environment that we are going to keep clean. In fact, we are having good number of people here, well good, very good thinkers, jo ab aajkal mante hain ki hame plastic related problems hai, there are other environmental issues jin pe hum baat karna chahte hain. Jaise abhi Ashraf sahab ne bhi kaha hai ki we are going to offer you so many things so that the environmental issues are being addressed. And if it is going to keep everything clean, so far better kind of oxygen or quality oxygen is being supplied to all the species, I think that's the best thing for we people.